राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना कैराना से हुआ था हिंदुओं का पलायन। यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट, डर को बताया गया पलायन की वजह। समाजवादी परिवार में चल रही उठापटक के बीच अखिलेश यादव ने मंडी परिषद अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पूर्व MLC काशीनाथ यादव बने नए अध्यक्ष। CM अखिलेश यादव नहीं अब मुलायम करेंगे यूपी प्रचार का श्री गणेश। 6 अक्टूबर से आजमगढ़ में रैली कर शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। CM अखिलेश यादव ने डायल 100 परियोजना का किया मुआयना। यूपी पुलिस का सिटीजन ऐप डायल 100 2 अक्टूबर को होगा लॉन्च। लखनऊ में रैली के दौरान BJP अध्यक्ष अमित शाह का BSP और SP पर हमला। कहा SP के कार्यकाल में करोड़ों का खनन घोटाला, माया ने किया जमकर भ्रष्टाचार। आतंकवाद पर फिर बेनकाब पाकिस्तान का दोहरा चेहरा। UN में नवाज शरीफ ने अलापा कश्मीर राग। आतंकी बुरहान वानी को बताया कश्मीर की आवाज। पाक PM नवाज शरीफ के UN में भाषण पर भारत का जवाब। हाथ में बंदूक लेकर वार्ता चाहता है पाकिस्तान, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उरी हमले के 3 दिन बाद विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को किया तलब। वादा निभाने की दी सख्त नसीहत। भारत ने फ्रांस से राफेल सौदे को दी मंजूरी। डील पर 23 सितंबर को दोनों देश करेंगे हस्ताक्षर। सौदे के तहत भारत फ्रांस से हासिल करेगा 36 राफेल लड़ाकू विमान। और कानपुर टेस्ट में भारत की सदी शुरुआत। 32 रन बनाकर KL राहुल आउट। 100 के पार भारत।